सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, एक i10 है बहुत बढ़िया सी और 2015 का मॉडल है, इंदौर की है और मैं अपने लिए भी मुझे पसंद आ रही है, बट देखते हैं कैसा क्या रहता है। यहाँ से सामने से थोड़ा सा टचअप हो रखा है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी MP09 की ही इसकी रजिस्ट्रेशन है। इस साइड से बताऊँ तो ये साइड प्रोफाइल हो गई इसकी, ड्राइवर साइड की कंप्लीट गाड़ी। चलो अंदर से दिखाएंगे, वाइपर वगैरह सब वर्किंग में है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है और ये हैंडल वगैरह सब काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं। हमारे पास चाबी भी है, उधर से एंट्री तो हो नहीं पाएगी, इधर से जाना पड़ेगा मुझे। तो ये देखो इंटीरियर, अभी फ़िलहाल सीट वगैरह थोड़े से ज़रूर आपको डैमेज हो रखे हैं बट ये चेंज हो जाएंगे। तो 2,500 रुपये का खर्चा है इस पर। सीट वगैरह की बात करें, यहाँ पर मिरर अभी ये निकला हुआ है, वो जो ये वाला मिरर है, तो ये भी लगवाना होगा आपको, जो कि हमारे राजीव भैया जो है जिनके पास कार है वो लगवा के दे देते हैं। यहाँ हजार्ड लाइट और स्पीकर वगैरह, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया है कि कौन सा वेरियंट है, तो ये स्पोर्ट्स वाला वेरियंट है, आप देख सकते हैं 1.2 जो आता है वो वाला ग्रैंड i10, और ये 2015 का है तो आइडिया लग ही गया होगा। पार्किंग सेंसर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कैमरे की उम्मीद ना करें, और ये फॉग डिफोगर वगैरह भी है यहाँ पर। तो ये हो गया फ्रंट साइड, एसी है, सब कुछ है, ग्लव बॉक्स है अच्छा खासा, यहाँ पर देख लो कितना बड़ा सा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। और किलोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट करो एक मिनट। किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर 69,617 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, FM वगैरह चालू हो गया, सब कुछ बाकी प्रॉपर है गाड़ी में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। सोच रहे होंगे मेरे पैर कहाँ गए, तो मेरे पैर इस साइड हैं क्योंकि इधर जा नहीं सकता। और यहाँ पर सारे के सारे पावर विंडो ORBM के कंट्रोल हैं जो कि चालू हैं सब कुछ, और आप बिल्कुल उसकी चिंता ना करें। यहाँ वेदर सब दिखा रहा है, देखो स्क्रीन में देखो आप, सब कुछ है कम्प्लीट। तो ये सारी चीज़ें हैं और गाड़ी काफ़ी कंप्लीट है। बैक साइड से देखा हो तो बैक साइड, चलो चल लेते हैं हम एक बार। अब अगर बैक साइड चलें तो बैक साइड भी कुछ इस तरह की, यहाँ एसी वगैरह दिया हुआ है। अब ये वर्किंग में है या नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा, बाकी ये थोड़ा बहुत तो कूलेंट वगैरह डलवाने से, कूलेंट नहीं यार कुछ होता है एसी का, कुछ होता है मुझे याद नहीं आ रहा, वो डलवाने से हो जाएगा। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है जिसका यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट में भी है, दो सॉकेट हैं वहाँ देख सकते हो आप, एक ये रहा, ठीक है। USB भी दिया हुआ है, सब कुछ है, AC वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ से फ्रंट से अगर बात करें तो दिख रहे हैं आपको। तो ये है कुछ लुक इसका फ्रंट साइड का, ओवरव्यू अगर दिखाऊं मैं आपको, यहाँ वैनिटी मिरर्स है, उधर साइड का पता नहीं है, हम आगे चल के एक बार देख लेंगे। और ये सारा कुछ हो गया, यहाँ हैंडल्स दिए हुए हैं सब कुछ, बैक साइड में यहाँ ट्रे और जो है आपको ये दिया हुआ है बूट स्पेस का, सारे के सारे चूँकि विंडो के कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं, पावर विंडो है, लॉक अनलॉक का है, सब कुछ है यहाँ पर, पॉकेट वगैरह दिए। सीट नहीं भी चेंज कराएंगे तो भी चल जाएगा, इससे कोई समस्या नहीं है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं मतलब सब बढ़िया ही है, स्पेस वगैरह बढ़िया मिल जाता है, क्योंकि ये देखो मैं कंप्लीट बैठ गया हूँ, सीट पूरी पीछे कर रखी है तब भी बढ़िया ही दिख रही है। और मुझे पसंद आ रही है, यहाँ का एक हैंडल नहीं है जो कि आप लगवा सकते हैं, या फिर राजीव भैया जो हमारे जिनके ऑनरशिप में हैं वो भी लगवा के दे देंगे। तो ये सारा कुछ सीन हो रखा है इस गाड़ी का। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वाटर होल्डर है, इस साइड भी है, स्पीकर दिए हुए हैं आपको बढ़िया से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एसी तो है ही बैक साइड में। यहाँ पर बैक साइड का बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, ये ट्रे भी है जो कि निकल गई है तो ये लग जाएगी इजीली, यहाँ पर नट है यहाँ से लग जाएगी, और ये बूट स्पेस का एरिया है जो कि क्लीन हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। और ये वायर वगैरह सब कुछ है, और ये थोड़ा सा हाइड्रोलिक सिस्टम है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन देखिए गाड़ी बहुत बढ़िया है, और सबसे मेन तो Hyundai की गाड़ियाँ मुश्किल हो जाता है मिलना, तो ये गाड़ी है, यहाँ पर एंटीना दिया हुआ है नॉर्मल वाला, तो ये कंप्लीट गाड़ी हो गई जिसका हमने आपको लुक दिखाया है, किलोमीटर दिखाया है, सिंपल व्हील्स हैं, अलॉय वगैरह नहीं है, आप लगवा सकते हैं अगर चाहें तो, इस साइड से मिरर वगैरह दे रखा है। तो आज फिलहाल मैं एक ही गाड़ी का बता रहा हूँ आपको, और स्पेशली अगर हुआ तो मैं ही ले लूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट या जो आपको यहाँ पर बोनेट के साइड के इंजन दिखा देते हैं, 1.2 लीटर जो है इंजन है इसका, बाकी सब कुछ ये कंडीशन है इंजन विंजन की। तो अभी कर दी गाड़ी को चालू, चलो एक बार इंजन चेक कर लेते हैं, इसका साउंड वगैरह जैसा भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही स्मूथ साउंड है भाई, मतलब कोई आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, सुनने को भी नहीं मिलेगी, आप मैं साइलेंट रहता हूँ आप आवाज़ सुन लो, जस्ट मैं इसके पास में हूँ और आवाज़ बिल्कुल भी
गंदी सी नहीं आ रही, बहुत अच्छी सी आ रही है। यहाँ इंसुलेशन ज़रूर नहीं हो रखा है, बाकी तो बढ़िया ही लग रहा है मुझे सब कुछ। इंदौर में अवेलेबल है ये गाड़ी फाइनली, और इसकी डिमांड है 3.25 लाख रुपए, जो भी होगा नेगोशिएशन कर लिया जाएगा। 2015 का मॉडल है, ऑनर सेकंड हो चुकी है, जो भी होगा थर्ड होगा, लेकिन घर के घर में ही ट्रांसफ़र है, ऐसा कोई किसी दूसरे को नहीं बेची गई है, तो इस वजह से ऑनर का इतना लोड ना लें। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।